80 के दशक से बस्तर में माओवाद काबिज है। माओवादियों की कार्यशैली, उनका अपना संविधान, उनका अपना कानून है। माओवादी जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसे जन अदालत में सजा दी जाती है। जन अदालत मतलब जनता की अदालत, जहाँ पे पैरवी जनता ही करती है, सुनवाई भी जनता ही करती है। ऐसे में माओवादियों का जन अदालत कैसे होगा, बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं अबूझमाड़ के जंगलों में हूं। जंगलों में क्यों हूं, ये कहानी पहले सुन लीजिएगा। दरअसल 27-28 सितंबर से बस्तर फाइटर्स का एक जवान बीजापुर पुलिस लाइन से अनुपस्थित चल रहा था और 29 तारीख को माओवाद संगठन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहृत जवान का नाम शंकर कुड़ियम पता चलता है और एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को माड डिविजनल एरिया कमेटी डिविजनल कमेटी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी जाती है कि माओवाद संगठन के कब्जे में ही शंकर कुड़ियम है, बस्तर फाइटर्स का जवान है। अब शंकर कुड़ियम की रिहाई के लिए रिहाई की जा रही है इस जन अदालत में। यहाँ पे अभी माफ़ कीजिएगा, रिहाई की जा रही है ऐसा नहीं है, अभी जो है सुनवाई चल रही है। अभी माओवाद संगठन के सदस्य के द्वारा करीब आ जाइए थोड़ा सा, माओवाद संगठन के जो सदस्य हैं उनके द्वारा फिलहाल भाषण दिया जा रहा है और पूरी चीज़ें बताई जा रही हैं। बिल्कुल सामने में जो है उस तिरपाल के ठीक सामने शंकर कुड़ियम हैं और क्या कुछ कह रहे हैं माओवादी नेता, आप सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आगे की कहानी बताऊँगा। नहीं दे रही सरकार और आदिवासियों को अपनी जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए, जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के लिए रोज ब रोज लुटेरी सरकारें। मोहन थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले, दरअसल करीब से शूट करने के लिए हमें मना कर दिया गया है। देखा जाए तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनता को मूलभूत सुविधा पहुंचाने के लिए पूरी की तरह विफल है और अपना आदिवासी इलाकों में हर रोज साधारण रूप से आम बात बन गई है कि झूठी मुठभेड़े जहां कहीं कभी भी ऐसा किया जा रहा है। पलाताड़ मेटला में भी 4 सितंबर को 2 निर्दोष ग्रामीणों को मारा गया। इससे पहले भी सरकिनगुड़ा हो गया है और घूमघट भी हुआ। वीडियो लंबा हो सकता है, दर्शक इत्मीनान से पूरी जन अदालत की प्रक्रिया को देखें क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस तरह की रिपोर्ट आज तक आपने संभवतः कभी नहीं देखी होगी। और सामने शंकर जो हैं उसे जूम करके दिखाइए, जो पिंक शर्ट में आप देख पा रहे हैं जिस लड़के को तिरपाल के ठीक सामने में, ये हैं शंकर कुड़ियम। और ये माओवादियों की जन अदालत बिल्कुल इसी तरह लगती है। अभी यहाँ पे सुनवाई होगी कुछ देर बाद। इस जगह से करीब 150-200 मीटर की दूरी पे हथियारबंद माओवादी भी हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते ना आ रहे हैं। और हमें भी ये हिदायत दी गई है कि हम दूर से ही शूट करें पूरी प्रक्रिया को। पांच साल में देखे तो चुनाव आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आदिवासी जनता हो चाहे देश की जनता को कुछ मूलभूत सुविधा नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस झूठी चुनाव को बहिष्कार करना जरूरी है। अब जो है शंकर कुड़ियम के बारे में जिक्र किया जाएगा, जैसा कि माओवादी नेता तिरपाल के पीछे से अनाउंस कर रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुनवाई चल रही है। सुनिए, अब माओवादियों की सुनवाई चल रही है। उनका उम्र 23 साल है, गांव उनका एरमनार, पोस्ट एरमनार, नईमेड़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता उनका। ये जनता से राय सुमारी की जा रही है। अभी गोंडी में ही जो है ना ग्रामीण अपनी जो समस्याएं हैं या फिर पुलिस के जो जवान हैं वो इन इलाकों में आकर क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां ये दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ग्रामीण बता रहे थे, सारी लोगों से राय शुमारी की जा रही है और बहुत संभावना है कि इस जन अदालत में शंकर को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही माओवाद संगठन द्वारा ये कहा गया है कि जो शंकर है उसने माओवाद संगठन से कहा है कि वो यहाँ से जाने के बाद नौकरी छोड़ देगा। मतलब साफ संदेश माओवाद संगठन द्वारा दिया गया है कि शंकर को छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि माओवाद संगठन ने कल प्रेस नोट जारी किया था, उससे भी एक संभावना
लगी थी हमें कि किसी भी तरह से शंकर को माओवाद संगठन छोड़ देगा, क्योंकि माओवाद संगठन ने अपने प्रेस नोट में स्पष्ट कहा था कि 29 सितंबर से ही शंकर कुड़ियम के अपहरण की खबर पुलिस अधिकारियों को, मगर पुलिस अधिकारियों ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और फिर चूँकि ऐसे जन अदालत में यदि हम पत्रकारों को आने की अनुमति दी जा रही है, हम पत्रकारों को इस जगह पहुंचने दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ शंकर कुड़ियम को रिहा कर दिया जाएगा माओवाद संगठन द्वारा। देखिए माओवाद संगठन के लोग लगातार जनता से पूछ रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए अभी यहाँ मामला कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ग्रामीण जो है माओवाद संगठन से ये कह रहे हैं कि शंकर को मौत की सजा दी जाए। मौत की सजा का फैसला किया जा रहा है, ये बेहद दुखदायी खबर है। इसका सभी हम जाएगा बताया गया है उसका क्या है करके, तो जनता बोल रहे हैं मौत की सजा बोल रहे हैं, इसलिए उधर की जनता और कुछ कोई बता सकता है महिला लोग। इस जनता में से एक तबके ने कहा कि भैया शंकर को मौत की सज़ा दी जाए, अब बाकी लोगों से भी पूछा जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को हम कहीं नहीं रोकेंगे, इस पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ। पुलिस का जवान है, इस वजह से इसे शंकर को मारने के लिए कहा जा रहा है इन ग्रामीणों के द्वारा। जब नक्सल संगठन के सदस्यों के द्वारा इनसे पूछा जा रहा है, तब इस तरह से जनता अपना फैसला सुना रही है। बेहद तनावपूर्ण माहौल है। जन अदालत में आए हुए जनता फैसला कर रही है, पत्रकार साथी मीडिया कर्मी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। शंकर कुड़ियम का मौत की सजा देने की निर्णय लिया गया, इसलिए अभी अपना पार्टी की ओर से और जवाब देना है, और इसके लिए पार्टी की ओर से भी जवाब देंगे। जनता ने कहा है कि शंकर को मौत की सजा दी जाए। इसके बाद जो माओवादी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो है माओवाद संगठन से भी चर्चा होगी। अब शायद इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये माओवाद संगठन के लोग आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि शंकर के साथ क्या होगा, क्या शंकर को सजा दी जाएगी या फिर उसे सकुशल रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि फिर से गोंडी में माओवादी नेता कुछ कह रहे हैं। ये अब गोंडी में जो है माओवादी नेता ये जनता को और भी कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। शंकर को लेकर ही चर्चा चल रही है और ये पूरी जन अदालत लगी हुई है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अभी कहा गया है कि शंकर जो है अपनी प्रेमिका से ही मिलने आया था यहाँ पे, तो उससे जुड़ी भी और भी जानकारियाँ दी जा रही हैं। शायद जनता को पूरी तरह विश्वास में लिया जाएगा, उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। कुछ देर पहले ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि शंकर को मौत की सजा दी जाए। मोहन थोड़ा जल्दी आइए, अब देखिएगा सामने जो स्पीच दे रहे हैं, सामने जो भाषण दे रहे हैं, मोहन दिखाइए सामने, मंच पे दिखाइए आइए, जो भाषण दे रहे हैं ये शंकर के भाई हैं। और शंकर के भाई गोंडी में जो है निवेदन कर रहे हैं जनता से, ग्रामीणों से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को बख्श दीजिएगा, मेरे भाई को जिंदा छोड़ दीजिएगा, आप लोग अपने फैसले से वापस ले लीजिएगा। गोंडी में ही जो है ना
निवेदन कर रहे हैं उनके भाई कि शंकर के भाई ये निवेदन किए हैं ग्रामीणों से कि हमारे मेरे भाई को रिहा कर दीजिएगा, मेरा भाई पुलिस की नौकरी छोड़ देगा और गांव में जाकर खेती किसानी करके जिंदा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रामीण लगातार शंकर के भाई से गोंडी में ही सवाल कर रहे हैं, गोंडी में ही ग्रामीण सवाल कर रहे हैं। लगातार मिन्नतें मांगने के बाद भी, शंकर के भाई के द्वारा लगातार मिन्नतें मांगने के बाद भी ग्रामीण जो है एक स्वर में कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, शंकर को मार देना चाहिए। दया की भीख मांग रहे हैं जनता से कि भाई मेरे भाई को छोड़ दीजिएगा, और लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। शंकर के भाई माफ़ी भी मांग रहे हैं ग्रामीणों से कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे, पुलिस की नौकरी छोड़कर गांव में ही खेती किसानी करेंगे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, राजी नहीं हो रहे हैं किसी भी सूरत में जो है वो शंकर को सजा देने की मांग कर रहे हैं लगातार। बस एक बार माफ़ कर दीजिए, ये आखिरी गलती है, एक बार माफ़ कर दीजिए, ऐसा शंकर के भाई कह रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर शंकर के भाई जो है जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। शंकर के भाई बता रहे हैं जनता को कि वो जिस लड़की से प्रेम करते थे वो अपनी प्रेमिका से मिलने आए हुए हैं, आए हुए थे। आप हमारे जो कोर्ट हैं, अदालत हैं, वहाँ पे सुनवाई देखी होगी, वहाँ की सुनवाई, वहाँ की कार्रवाइयों को पढ़ा होगा, लेकिन आज नक्सलियों के जन अदालत को देखिएगा जहाँ सीधे ज़िंदगी और मौत का फैसला हो रहा है। ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है, और बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरह की तस्वीरें, संवेदनशील खबरों को आप तक पहुँचाऊँ, ऐसी गंभीर खबरों को आप तक पहुँचाऊँ। अब शंकर के भाई से माइक ले लिया गया है, और माओवादी नेता ने जो कि अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ है, और शंकर के भाई को मंच से दूसरी तरफ भेज दिया गया है, और यहाँ सुनवाई की प्रक्रिया चल ही रही है। अब यहाँ किस तरह से क्या फैसला आता है, क्या ये फैसला शंकर के पक्ष में होगा या नहीं होगा, इस पूरी प्रक्रिया को मैं लगातार दिखाऊंगा। ये शंकर की प्रेमिका सुनीला आ गई हैं, ये देखिए, जिनसे मिलने के लिए आई थी, आए हुए थे शंकर उस परी गांव में, ये शंकर की प्रेमिका हैं। अब शंकर की प्रेमिका जो है वो माइक में जनता से बात करेंगे, और फिर उसके बाद जनता से रायशुमारी की जाएगी। अभी जो है सुनीला ये बता रही हैं कि वो कहां कहां कब कब पढ़ाई की हैं, पोटा केबिन और नीलशनार में भी ये पढ़ाई की हैं। सुनीला जो है इस वक्त पे उनकी पढ़ाई कैसे हुई इसकी जानकारी दे रहे हैं, और इसी तरह से माओवादियों का जन अदालत लगता है, और माओवादियों के जन अदालत की पूरी तस्वीर, पूरी रिपोर्ट, हो सकता है ये रिपोर्ट हमारा बहुत लंबा जाए। आप पूरी प्रक्रिया को देखिए, समझिए कि माओवादी किस तरह से जन अदालत लगाते हैं, कैसे जनता से राय सुमारी होती है, कैसे जब किसी का अपहरण माओवादी कर लेते हैं तो केवल उसी की नहीं सुनी जाती, बल्कि उससे जुड़े हुए लोग जैसे कि उनके भाई यहाँ पहुँच गए हैं, उनकी प्रेमिका को बुला लिया गया है, उनसे भी पूरी कहानी सुनी जा रही है, उनके सुनीला जो है अपने बारे में इस वक्त बता रहे हैं, और फिर सुनीला से मिलने कब और कैसे आया, कैसे पहुंचा यहाँ पे शंकर, इसकी भी जानकारी संभवतः सुनीला देंगी, तो उसकी सुनीला क्या कुछ बताएंगी ये भी हम आपको बताएंगे। सुनीला जो है वो शिक्षा दूत भी हैं, शिक्षा हिंदी में जो है माओवादी नेता भाषण दे रहे हैं, और ये फैसला लिया जा चुका है कि शंकर कुड़ियम को रिहा कर दिया जाएगा। लगातार जिस तरीके से सुनवाई का दौर चला और अभी भी सुनवाई चल रहा है, अभी जो है माओवादी नेता द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है
हिंदी में ये संदेश दिया जा रहा है ताकि हमें भी समझ में आए और हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। सुकमा जिले के थाटमेटला में दो निर्दोष आदिवासी युवकों का हत्या किया गया। हर हमेशा पुलिस वालों के सामने से आना जाना करते हुए धंधा करने वालों को नक्सली बताकर हत्या जो किया गया है उसको खंडन करे। अब क्या फैसले की घड़ी आ गई है और जनता से पूछा जा रहा है अब कि क्या किया जाए। शंकर का गोंडी में ही पूरी संवाद चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अनुवाद करके बताऊँ कि क्या कुछ जनता चाह रही है, क्या कुछ जनता कह रही है। सदन के मनवा पार्टी बगील तलवेंडे की सबे अपील तो खुद ध्यान से तासी शंकर कुड़ियाम किनू मौत की सजा आई वाले वा सब पुस्तल संगे रिहा की निंजी मना पार्टी बगील तलवेंडे आज का निर्णय की तद मनता सदन के टेनलों को उड़ती के मैं हिंदी में बता रहा हूँ। यहाँ पे सभी पत्रकार साथियों मीडिया कर्मी साथी हैं उनको समझने के लिए या समझाने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए उन लोग सुनिएगे। शंकर कुड़ियाम एक बेरोजगार युवक था, सब जानते हुए भी पैसा कमाने के लालच में शिक्षा दूध काम छोड़कर बस्तर फाइटर्स में भर्ती हुए। अभी बीजापुर पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है जिसको ना 29 तारीख सवेरे परेड और गणना में शामिल होकर अपने प्रेमी का सुनीला से मिलने के लिए आया था। इन्हें हमारे पीएलजी टीम ने कब्जा में लिया और इनसे पूछताछ किया गया, इन्हें जन अदालत में पेश किया गया। इन्हें छोड़ने की हमारी पार्टी विचार के बारे में जनता को समझाया गया है। हालांकि जनता शंकर को मौत की सजा देने के पक्ष में था क्योंकि जनता पुलिस दमनकारी व्यवहार से वाकिफ है। पार्टी के समझाने के बाद आखिर बस्तर फाइटर्स के जवान शंकर कुड़ियाम को रिहा करने का निर्णय लिया गया। इन्हें छोड़ने के लिए सर्व आदिवासी समाज और उनके परिवारजनों ने भी अपील की है। हम शंकर को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि शंकर जनता व हमें नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं आया था, प्यार मोहब्बत के चक्कर में आया था। कमांडो फोर्स में भर्ती होने के बावजूद भी अभी तक जनता पर दमन करने का काम शामिल में नहीं था। इस क्षेत्र में आने से खतरे को जानते हुए भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने प्रेमी का सुनीला से मिलने आया था। हम पुलिस अधिकारी जैसे दरिया दिल वाले नहीं है, पुलिस हो और कोई हो, प्यार मोहब्बत का क्या होता है हम भी समझते हैं। इसलिए हम और जनता शंकर कुड़ियाम को छोड़ने का लिया गया और इस संदर्भ में हम बस्तर फाइटर्स और डीआरजी जवानों सहित अर्धसैनिक बल के पुलिस जवानों से अपील कर रहे हैं कि आपके पुलिस अधिकारियों के बहकावे में ना आते हुए सच्चाई को समझें, सच्चा देशभक्त जैसे रहे। हमारा भी नियम है, कानून कायदा है, संविधान है, किस व्यक्ति को किस पुलिस को मौत की सजा देना है, किसको रिहा करना है, हमारा संविधान में लिखा गया नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं हो गया है अनजान में जल्दीबाजी निर्णय में कहीं भूल चूक हो गया है, कहीं हत्या हो गया है। इसीलिए जहां भी भूल चूक से या चूक से हो गया है हत्या करना कार्रवाई हो गया, हम भी माफी मांगते हुए जनता के सामने आ रहे हैं। फिर भी आज शंकर कुड़ियाम के विषय में देखेंगे तो हमारी पार्टी ने मानवीयता का परिचय देते हुए आज यहां पे शंकर कुड़ियाम को जनता को समझाने के बाद और सर्ववादी समाज के तरफ से उनके परिवारजनों से रिहा करने की अपील की है और उसको मद्देनजर को देखते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए अपना पार्टी ने शंकर कुड़ियाम बस्तर फाइटर जवान को सकुशल से रिहा कर रही है। फैसला हो चुका है, करीब 2 घंटे तक ये सुनवाई चलती रही।
माओवाद संगठन के द्वारा अबूझमाड़ के जंगलों में ये जन अदालत लगाई गई है। बस्तर फाइटर्स का जो जवान है जिसका अपहरण 29 सितंबर को तब कर लिया गया था जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उसपरी गांव आया हुआ था, इसी जगह से माओवाद संगठन द्वारा शंकर कुड़ियम जो आपको पिंक कलर के शर्ट में दिख रहे हैं इनका अपहरण कर लिया गया था। और जैसे ही माओवादी नेता द्वारा इस जन अदालत को संबोधित करते हुए शंकर कुड़ियम की पूरी जानकारी जब जनता को दी गई तो जनता ने एक स्वर में कहा था कि भाई हम जो है शंकर को मौत की सजा दी जाए, ऐसा जनता कह रही थी। लेकिन सर्व आदिवासी समाज और साथ ही शंकर और शंकर के भाई और शंकर की प्रेमिका के अपील का असर ये हुआ कि इस जनता ने अपना फैसला वापस ले लिया और अब और शंकर कुड़ियम को इस जगह से सकुशल रिहा कर दिया जा रहा है। और साथ ही माओवादी नेता ने ये भी बताया कि डीआरजी के जो जवान हैं वो डीआरजी या फिर अन्य अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो किसी तरह से इनके दुश्मन नहीं हैं, मगर वो हथियार उठाकर देश विरोधी ताकतों के साथ काम कर रहे हैं जैसा कि माओवाद संगठन कह रहा है। और माओवादियों ने यहाँ ये भी कहा है कि वे मानवता का परिचय दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी बात जो निकल कर आई इस पूरे जन अदालत में वो ये है कि माओवाद संगठन जिस तरीके से यहाँ पे हत्याएं अलग अलग जगह पे हत्याएं हुई हैं उनमें कुछ जगह पर उनसे चूक हुई है, इसे माओवाद संगठन स्वीकार कर रहा है और साथ ही सभी से माफ़ी भी मांगते हुए ये कह रहा है कि संगठन कईयों दफ़े जल्दबाजी में इस तरह के फैसले ले लेता है या किस तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तब इस तरह के फैसले लिए गए हैं, जिसके लिए माओवाद संगठन ने माफ़ी भी मांगी है जनता से। और साथ ही माओवादी नेता ने ये भी कहा है कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ ये ना चलाए जाएं। तो इस तरह से ये पूरी जन अदालत की प्रक्रिया थी। इसी तरह से बस्तर के बीहड़ों में माओवादियों द्वारा जन अदालत लगाया जाता है जब भी किसी का अपहरण किया जाता है। पूरी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी थी, पूरा करीब 2 घंटे तक ये जन अदालत चलता रहा और 2 घंटे के बाद शंकर की रिहाई का फैसला अब हो चुका है। बहरहाल मेरा आज का ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि माओवादियों के जन अदालत को दिखाया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए कि भाई बस्तर के बीहड़ों में किस तरह से अदालतें लगती हैं नक्सलियों की और किस तरह से ज़िंदगी और मौत का फैसला आम लोगों के द्वारा किया जाता है ये भी बताया जाना चाहिए, तो आप मेरे इस रिपोर्ट को अपने लोगों से भी साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।